भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। शुभ प्रभात, मैं अंशिका कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महावीर इंटरनेशनल स्कूल है। आज का हमारा विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आज मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में बालक अपनी मन की बात लिखकर अपनी माँ को बताना चाहता है। इस चित्र में माँ अपने पुत्र का पत्र पढ़कर उसकी मन की बात समझ रही है। तो आपने देखा ये दोनों अपने मन के भावों और विचारों को कैसे पढ़कर और लिखकर समझ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझ सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, समाचार, उद्घोषित समाचार का वाचन भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, इस चित्र में लड़का मसूरी की यात्रा का वर्णन कर रहा है, ये भाषा का लिखित रूप है। क्या आप सभी जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अब हम बोली के बारे में चर्चा करेंगे। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इससे साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। अब हम लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं भाषा के लिखित रूप को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को लिख सकते हैं। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण और भाषा का गहरा संबंध होता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। धन्यवाद।